हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। इस तैयारी के दौरान मैं आपको जो टॉपर स्टूडेंट्स की हम कॉपीज़ देख रहे थे, उसी श्रृंखला में एक और आज मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2022 के ये इतिहास की कॉपी है और बहुत ही टॉप कॉपी है, बहुत ही अच्छी कॉपी है। आपको इसकी राइटिंग, इसकी लेखन शैली सब कुछ बहुत पसंद आएगा। तो इस कम्प्लीट अपन देखने वाले हैं और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिले हैं कम्प्लीट 80 में से 80 नंबर, पूरे 80 में से 80 नंबर। आइए बिना टाइम खराब किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम आपके काफी नजदीक हैं। एक बार जरूर देख लीजिएगा इस पूरी कॉपी को। सबसे पहले खंड अ से शुरुआत करिए इस स्टूडेंट ने, 2022 का ये टॉपर है हिस्ट्री का। और आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक करिए इस स्टूडेंट ने, वो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इस स्टूडेंट ने लिखा आपको प्रश्न संख्या इस वाले कॉलम में लिखनी थी, हालांकि इस स्टूडेंट ने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है। फिर लिखा इसने क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन वन में जो 12 प्रश्न आते हैं उसमें पहला और पहले का आंसर, आंसर लिखा चंद्रगुप्त, राइट ऑप्शन लिखा अ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का आंसर लिखा दसपुर, राइट ऑप्शन लिखा स। तीसरा लिखा वाकाटक, आंसर लिखा इसने द। उसके बाद में चौथा प्रश्न, राइट आंसर लिखा अल बिरूनी, ऑप्शन ब जो है वो, मतलब ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं और ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन था वो विवरण यहाँ पे दिया है। उसके बाद में पांचवे का पाटलिपुत्र, ऑप्शन यहाँ पे लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आंसर, यहाँ पे लिखा ऑप्शन द। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप दूसरे तरीके से यहाँ पर जैसे आप इधर लिख देंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे द और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बनावली। आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कॉपीज में देखा था कहीं स्टूडेंट्स टेबल बना लेते हैं और टेबल बना करके भी उसमें राइट ऑप्शन प्रश्न वाइज जो है वो राइट ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखें कैसे लिखें, लेकिन राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, लिखावट आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के बीच में 2-2 लाइनें छोड़ी है, लगातार इसका यही क्रम रहा है, शुरू से लेकर के एंड तक इसने प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 2 लाइनें छोड़ी है, मतलब साफ सुथरी राइटिंग में साफ सुथरे आंसर इसने लिखे हैं, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं 1793 ऑप्शन ब, अबुल फजल ऑप्शन ब राइट है, 1565 ऑप्शन द, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन स, और पूरे मिले हैं 12 में से 12 नंबर। उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान आते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, गोलमेज सम्मेलन, सिराजुद्दौला की पराजय, 1872 में किया, और अमेरिका। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या किया इसने, केवल आंसर लिखा है, और आंसर भी सिर्फ जो आंसर की जरूरत है ना, वन एक एक मतलब यूं कह सकते हैं एक या दो शब्द में केवल आंसर लिखा है, और बिल्कुल यहां पर भी आप देख सकते हैं एक एक लाइन छोड़ करके, और कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न होता है अतिलोकतंत्र प्रश्न। पहला प्रश्न इसका आंसर लिखा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया था, और उसके बाद में दूसरा है क्योंकि नमक कानून सरकार का सबसे घृणित कानून था, नमक सभी के घरों में प्रयोग होता था, इसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में करवाया गया था। 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, प्रत्येक आंसर लिखने के बाद में 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, आप 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिएगा और साफ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा रहेगी। ये जो है वो आप ये सारे आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक किया गया था। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में, और ये बहिर्विवाह, और आप देख सकते हैं कंप्लीट इस तरीके से यहाँ पे 12 में से 12 नंबर, तीसरे में 12, पहले में 12, दूसरे में 6 में से 6 नंबर। और अब खंड ब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे खंड ब, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखेगा खंड ब। और लिखने के बाद में यहाँ पे चौथा प्रश्न सबसे पहले शुरू किया, नवशास्त्रीय शैली, ठीक है। इस स्टूडेंट ने एक ही पेन से लिखा है, कोई पेन चेंज नहीं किया है, ना ब्लैक पेन का यूज किया, ना किसी और पेन का यूज किया है, लेकिन राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी है। और आप देख सकते हैं ये आंसर पहले का, दूसरे का, तीसरे का, और उसके बाद में 6वां प्रश्न यहाँ पे किया है, फिर 7वां प्रश्न किया है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8वां प्रश्न है, और 8वें के बाद में ये है 9वां प्रश्न। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी तेज चला है तो थोड़ा सा इसे पॉज करके आप ये सारे आंसर्स देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स हैं वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये 10वां प्रश्न है, उसके बाद में आप देख सकते हैं 11वां प्रश्न है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 12वां प्रश्न है, डाक प्रणाली की बात करिए, इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था की जो प्रशंसा करी थी, तो उस डाक प्रणाली को यहाँ पर बताया कि भाई 2 प्रकार की यहाँ पर डाक प्रणाली थी, अश्व डाक प्रणाली और पैदल डाक प्रणाली। अश्व डाक प्रणाली के बारे में बता दिया, पैदल डाक प्रणाली के बारे में बता दिया, उसके बाद में फिर 13वां प्रश्न किया है,
और फिर यहाँ पर उसने 14वें प्रश्न का आंसर दिया है। उसके बाद में है 15वां प्रश्न, पॉइंट लगा करके, पॉइंट बना करके आंसर इसने लिखा है। फिर है 16वां प्रश्न, और अब यहाँ पर नेक्स्ट नक्शा है, मैप जो है, ये मैप जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसने सारे जो ऑप्शन थे वो भरे हैं, और चार ऑप्शन भरे हैं तो इसको चार नंबर मिले हैं। एक और मैप है जिसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न, कोई किसी प्रश्न का आंसर दिया है, बीच में मैप आ गया था, ठीक है। मगध के उत्थान के तीन कारण थे, मगध में लोहे की खदानें, मगध में जंगलों में हाथी का पाया जाना, और मगध में जीवनदायिनी गंगा नदी बहती थी। उसके बाद में सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता आज प्रासंगिक है, निम्न है, इस तरीके से यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है। उसके बाद महानवमी डिब्बा आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की जो एक विशेषता है खास, उसके बारे में बताया गया है। फिर औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाने के कारण क्या थे, वो यहाँ पे बताया गया है। और अब खंड द है, खंड द में इसने 21वां प्रश्न किया है, कर्नाटक की वीर सेव परंपरा, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में चार में से चार नंबर, 22वां अथवा वाला इसने किया है, नमक सत्याग्रह। और इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इसकी तीन विशेषताएं जो है वो इसने यहाँ पे बता दी है। और इस तरीके से ये कॉपी समाप्त होती है। और इसका जो एक मैप था, इसने एक ही मैप किया है या फिर एक मैप दूसरा दिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी समाप्त होती है। हिस्ट्री की कॉपी थी, कैसी लगी आपको कॉपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कॉपी आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि अगली कॉपी आपको प्रोवाइड करा सकूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी दो रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग में 6 बजे, दूसरी इवनिंग में 8 बजे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम एमसीक्यूज करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे, जिसमें रिक्त स्थान, वन लाइनर और एमसीक्यूज प्रश्न रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।